वेलकम टू कार्ब अडमी टुडे आई सेल्फ क्लास एट मैथमेटिक्स चैप्टर टेन एक्सपोनेंट एंड पावर का एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू को सॉल्व करेंगे टेन पॉइंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेसेज द फॉलोइंग नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इसे क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है ठीक है तो ये बहुत ही आसान है बस आप लोग एक दो क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद ही आसान लगेगा ऐसे देखने में तो बहुत कठिन लगता है ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका क्या है फर्स्ट का फर्स्ट जीरो पॉइंट कितना जीरो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन कितना है इलेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ये है एटी फाइव ठीक है तो अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमें आटैंडर्ड फॉर्म में बोला है तो आटैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे हैं देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखना होगा किसी भी नंबर को इस तरह से दिया हो तो आपको एस्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एक रूल है रूल क्या कहता है कि जो एटी है मतलब एटी है ना तो उसको एक डिजिट के बाद यानी वन डिजिट के बाद आपको डिसमल लगना चाहिए उसके बाद आपको कुछ भी लिखो उससे मतलब नहीं है लेकिन एक डिजिट के बाद हमें डिसमल लगना चाहिए उसके बाद कोई भी डिजिट लिख सकते हो जब ऐसे होगा तो मान लो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या एट्टी फाइव बाई एटी फाइव बाई देखो जब हम इस डिसमल को हटाएंगे, इस डिसमल को हटाएंगे, तो क्या आएगा वन ये तो पता है ना कि डिसमल को हटाते हैं तो वन आता है उसके बाद जितना डिजिट रहता है ना उतना जीरो बैठा देंगे कितना है इलेवन जीरो था ये ट्वेल्व और ये थर्टीन कितना है थर्टीन यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व थर्टीन जब डिसमल को हटाते हैं तो एक उसके नीचे क्या होता है जब डिसमल को हटाते हैं तो उसके नीचे आ जाइए एक जितना डिजिट उतना ज़ीरो ठीक है अब यहाँ से ये देखो एटी फाइव अब ये देखो तो ये वन पर कितना ज़ीरो है थर्टीन तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या टेन के पावर थर्टीन टेन के पावर थर्टीन हम इसको क्या लिख सकते, है? सकते हैं टेन के पावर थर्टीन लिख सकते हैं ठीक है इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन के पावर थर्टीन लिख सकते हैं जब हमने इसको टेन के पावर थर्टीन में लिखा और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो हमें क्या करना होगा देखो हमने आपको बताया कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा तो वन डिजिट के बाद डिशमल लगना चाहिए तो यहाँ पर कैसे लगाओगे तो देखो इसी कंडीशन को ये जो हमारा एटी फाइव वाई टेन के पावर जो ट्वेल्व है या थर्टीन है उसको हमने किया टेन के पावर ट्वेल्व इन टू टेन दोनों का बेस सेम है पावर एक जब इनको ऐड करेंगे तो टेन के पावर थर्टीन आ जाएगा उसी के बदले हमने ऐसा किया है अब क्यों किया है आप जानते हो सेवन क्लास में आपने डिसमल का डिवाइड पढ़ा था कि यदि हम एटी फाइव में टेन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एट के बाद हमारा डिसमल आ जाएगा आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो ठीक है तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 85 में 10 से तो ए आ जाएगा 8.5 आ जाएगा इन टू ये टेन के पावर 12 है ना जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा 10 के पावर माइनस ट्वेल्व होगा आपने पीछे एक्सरसाइज टेन पॉइंट टूल्व में पढ़ा था तो ये जो आया यही स्टैंडर्ड फॉर्म में आया इसी तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे क्वेश्चन को करना है बहुत ही आसान है आप एक बार अच्छे से देखते चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड है सेकेंड क्वेश्चन आपका देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है ये वाला इसमें क्या है आ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह कितना ग्यारह और एक बारह तेरह चौदह ठीक है ग्यारह जीरो है पहले इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं जीरो पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और एक क्या है नाइन हंड्रेड फोर्टी ओके okay? ये क्वेश्चन है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इस डिसमल को हटाएंगे तो हमारा नाइन हंड्रेड ट्वेल्व फोर्टी टू आ जाएगा अब डिसमल हटाएंगे तो वन जितना डिजिट उतना ज़ीरो होना चाहिए तो डिजिट की हमारा नंबर कितना है इलेवन जीरो था टेल्व थर्टीन फोर्टीन कितना है फोटीन तो ये हो जाएगा आ, वन पर चाहे ऐसे कर लो डायरेक्ट ही कि टेन के पावर फोर्टीन कर लो टेन के पावर फोर्टीन अब ये चीज़ बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने से टाइम बर्बाद होगा हमें पता है कि इतना डिजिट है फोर्टीन तो टेन के पावर फोर्टीन कर देंगे अब आपको एक बात तो पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए वन डिजिट के बाद डिसमल लगना चाहिए तो हम क्या करेंगे नाइन हंड्रेड फोर्टी टू डिवाइडेड बाई इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या टेन के पावर ट्वेल्व और इन टू हंड्रेड अब आपको अक्सर वहाँ टेन से किए थे यहाँ हंड्रेड से क्यों क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो डिजिट था मतलब वन डिजिट के बाद हमें डिस्म लगाना था यहाँ पर देखो थ्री डिजिट है यानी इधर से दो डिजिट हमारा बच रहा है पॉइंट लगाने के बाद इसमें हंड्रेड से करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे हाइड्रेड से इसमें करेंगे जब हंड्रेड से करेंगे और एक बात टेन के पावर फोर्टीन के बदले लिखे हैं जब इसको सॉल्व करोगे ना हाइड्रेड के बदले टेन के पावर टू लिखोगे दोनों का बेस इक्वल है पावर ऐड कर देंगे टेन के पावर फोर्टीन आ जाएगा ये सब ध्यान देना है ठीक है ना तो यहाँ से नाइन हंड्रेड फोर्टी टू में हंड्रेड से जब डिवाइड करोगे ना तब नाइन पॉइंट फोर टू आ जाएगा और जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो टेन के पावर माइनस ट्वेल्व आ जाएगा अब आप लोग एक दो क्वेश्चन समझ में आएंगे बस आप देखते चलो ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है थर्ड क्वेश्चन है आ, ये देखो इसमें कोई डिसमल नहीं लगा है सिक्स हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड टू कितना जीरो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह जीरो है तो इसे हम कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले तो सिक्स हंड्रेड टू हमने कर लिया और इसको हमने क्या किया ना टेन के फॉर्म में कर दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन यानी टेन के पावर हम इसको थर्टीन कर सकते हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का रूल क्या है कि एक डिजिट के बाद आपको डिसमल लगाना है और यहाँ पर थ्री डिजिट है तो थ्री डिजिट है तो कितना से करना होगा हंड्रेड से जब टू डिजिट रहेगा टेन से थ्री रहेगा तो हंड्रेड से फोर रहेगा तो वन थाउजेंड से तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा सिक्स हंड्रेड टू में ठीक है सिक्स हंड्रेड टू में हंड्रेड से डिवाइड करना होगा अब आप कहोगे सर हंड्रेड से आप डिवाइड कैसे कर सकते हो नहीं कर सकते बिल्कुल सही बोल रहे हो हंड्रेड से डिवाइड नहीं कर सकते तो हंड्रेड से हमने डिवाइड किया और साथ में मल्टीपल भी कर दिया अब दोनों कटा देंगे तो कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा अब देखो तो यहाँ से क्या आएगा जब इसको हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो सिक्स पॉइंट ज़ीरो टू आ जाएगा और ये देखो टेन के पावर थर्टीन है और हंड्रेड का मतलब टेन के पावर टू दोनों को ऐड कर देंगे टेन के पावर फिफ्टीन हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है अब थर्ड के बाद फोर देखो फोर क्वेश्चन है जीरो पॉइंट कितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक क्या है एट हंड्रेड थर्टी सेवन एट हंड्रेड थर्टी सेवन ठीक है अब इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले डिसमल को हटाएंगे तो यह आ जाएगा एट हंड्रेड थर्टी सेवन कितना डिजिट है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह कितना है ग्यारह तो दस के पावर ग्यारह हो गया ठीक है अब देखो हमें यहाँ थ्री डिजिट है एक डिजिट के बाद डिस्मल लगाना है तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा हंड्रेड से तो इसको हम क्या करते हैं टेन के पावर जो इलेवन है ना इसके टेन के पावर नाइन इंटू टेन के पावर टू कर सकते हैं यानी हंड्रेड जब इसको डिवाइड करेंगे तो एट पॉइंट थ्री सेवन आएगा और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो टेन के पावर माइनस नाइन ये हमारा आंसर हो गया नेक्स्ट फाइव देखो फाइव क्वेश्चन क्या है इक्तीस यानी थर्टी वन एटी सिक्स एक दो तीन चार पाँच छः सात कितना है जीरो सात जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात अब इसे करते हैं तो क्या होगा देखो तो आ, थर्टी आ, थ्री वन एट सिक्स इंटू टेन के पावर क्या लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन लिख सकते हैं लेकिन यहाँ फोर डिजिट है और वन डिजिट के बाद डिस्मा लगाना है जब फोर डिजिट रहेगा तो वन थाउजेंड से डिवाइड करना होगा तो हम क्या करेंगे इसको ये ज्यों का त्यों लिखेंगे और वन थाउजेंड से डिवाइड करें क्यों क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है आप वन थाउजेंड से डिवाइड कर नहीं सकते हो तो डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर दें कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा काम भी हो जाएगा तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो थ्री पॉइंट वन एट सिक्स आएगा और ये देखो टेन के पावर सेवन है और ये टेन के पावर थ्री है दोनों को ऐड कर देंगे टेन के पावर टेन हो जाएगा और यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया तो क्या कोई दिक्कत है क्वेश्चन नंबर वन हम लोग को कंप्लीट हो गया ठीक है अब चलो क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे क्वेश्चन टू क्या है एक्सप्रेसेज द फॉलोइंग नंबर इन यूजल फॉर्म मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में है अब इसके फॉर्म में करना है ठीक है तो आइए उसका ठीक अपोजिट क्वेश्चन मिला है क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट क्या करेंगे लिखेंगे थ्री पॉइंट जीरो टू इन टेन के पावर माइनस सिक्स है अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप जानते हो कि जब हम इसको हटाएंगे तो वन जितना डिजिट उतना ज़ीरो और ये टेन के पावर सिक्स है ना इसको यदि हम नीचे लाएंगे तो टेन के पावर प्लस सिक्स हो जाएगा कोई डाउट है नहीं ना चलो अभी क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड टू अभी देखो टेन के पावर हंड्रेड का मतलब है टेन के पावर टू तो टेन के पावर टू टेन के पावर सिक्स ऐड कर देंगे टेन के पावर एट हो जाएगा मतलब इसमें क्या होगा पहले से थ्री डिजिट है और आपको एट डिजिट के बाद डिसमल लगाना है तो पहले से हमारा थ्री डिजिट है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन के बाद आ, एट एट के बाद क्या लगाना होगा डिसमल और उससे पहले एक डिसमल जीरो लगा देंगे ये देखो हमारा यूज फॉर्म में आ गया कैसे हमने किया जब हमने इसको सॉल्व किया तो थ्री हंड्रेड टू बाई टेन के पावर एट है तो जो पावर में एट लगा है ना इसका मतलब क्या कहता है कि एट डिजिट के पहले डिसमल लगाना है ठीक है तो हम देखो पहले से थ्री डिजिट है हमने उसको राइट किया थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट के बाद क्या लगा देंगे डिसमल और उससे पहले एक डिसमल से पहले एक ज़ीरो लगा देंगे ठीक है ये रूल कहता है आइए सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन के पावर फोर ये क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो सबसे पहले फोर पॉइंट फाइव इसको हटाएंगे तो वन और ए जीरो और ये टेन के पावर फोर है ना तो इसको टेन के पावर फोर ऊपर ही रहने देते हैं यहाँ से देखो कटा देंगे तो टेन के पावर थ्री टाइम्स में कट जाएगा तो ये डायरेक्ट हमारा आ गया आ, कितना आया ये फाइव इंटू टेन के पावर थ्री जब इसको सल्व करोगे ना तो फोर्टी फाइव पर कितना जीरो थ्री जीरो एक दो तीन ये हमारा आंसर आ गया ये तो बहुत आसान है थर्ड क्वेश्चन थर्ड है थ्री इंटू टेन के पावर माइनस एट अब इस क्वेश्चन को करना है तो क्या करेंगे थ्री बाई टेन के पावर एट ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना अब इसका मतलब क्या है एट डिजिट के पहले आपको डिसमल लगाना होगा तो पहले से एक डिजिट है हमारा दो तीन चार पाँच छ सात आठ उसके बाद डिसमल और जीरो लगा देंगे हो गया बहुत आसान है सब फोर्थ देखो फोर्थ क्वेश्चन है वन पॉइंट ज़ीरो जीरो ए सॉरी जीरो जीरो वन इंटू टेन के पावर नाइन ठीक है ये क्वेश्चन है अब इसे कैसे करेंगे तो सबसे पहले वन पॉइंट जीरो 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 वन इसको हटाएंगे वन जितना डिजिट उतना जीरो इंटू टेन के पावर नाइन ये देखो टेन के पावर फोर है ना टेन थाउजेंड का मतलब टेन के पावर फोर टेन के पावर फोर से टेन के पावर नाइन से डिवाइड करेंगे टेन के पावर फाइव आएगा यानी इसका जो आंसर होगा वन जीरो जीरो वन पर कितना जीरो फाइव जीरो थ्री फोर फाइव ये हमारा आंसर हो गया फाइव क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन क्या है फाइव पॉइंट एट इंटू टेन के पावर टूल्व ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले फाइव पॉइंट एट हटाएंगे तो टेन हो गया और टेन के पावर ट्वेल्व इसको डिवाइड करेंगे तो टेन के पावर इलेवन टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा एक कट जाएगा यानी फिफ्टी एट पर कितना जीरो इलेवन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन आंसर ठीक है फाइव के बाद सिक्स देखो सिक्स क्वेश्चन है थ्री पॉइंट सिक्स वन फोर सिक्स वन फोर नाइन टू इंटू सिक्स के टेन के पावर सिक्स अब ये देखो तो आ इसे सल्व करेंगे तो थ्री पॉइंट सिक्स वन फोर नाइन टू इसको हटाएंगे ये वन जितना डिजिट उतना ज़ीरो और ये टेन के पावर सिक्स ये कितना है टेन के पावर फाइव है ना तो इसको डिवाइड करेंगे तो टेन टाइम्स में कट जाएगा और ये जो है उस पर एक जीरो लगा देंगे नाइन टू जीरो ये आंसर आ गया ये हमारा यूजल फॉर्म में आ गया तो क्वेश्चन नंबर टू भी हमारा कंप्लीट होता है ठीक है ये भी बहुत आसान है आप अच्छे से देखोगे तो बहुत आसान है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे ये क्या बोला है एक्सप्रेसेस द नंबर अपेयरिंग द अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है ठीक तो है तो ये भी आसान है ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है ठीक है ये क्या बोला है कि वन माइक्रो वन माइक्रोन इज इक्वल टू वन बाई इतना मीटर तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ये क्या हो जाएगा ये आपको गिवेन है वन बाई सिक्स जीरो है वन पर सिक्स जीरो ठीक है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं वन बाई टेन के पावर सिक्स अब देखो तो ए वन का वन जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो टेन के पावर माइनस सिक्स हो जाएगा और ये मीटर में आ जाएगा ठीक है मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ठीक है क्वेश्चन टू देखो टू है कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना कुलंब है ठीक है तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे सिक्सटीन है ना सिक्सटीन को हम राइट करेंगे हम डायरेक्ट बना रहे हैं बिना क्वेश्चन लिखे हुए ये सिक्सटीन बाई ए डिश्मल हटाएंगे तो कितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस टेन के पावर बीस जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो देखो हमें क्या करना होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है तो यहाँ दो डिजिट है ना तो वन डिजिट के बाद डिशमल लगना चाहिए तो इसमें क्या करना होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं टेन के पावर नाइनटीन इंटू टेन टेन से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे बेस से हमें पावर को ऐड करेंगे तो टेन के पावर ट्वेंटी हो जाएगा तो सिक्सटीन में टेन से डिवाइड करेंगे वन पॉइंट सिक्स और ये देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस नाइनटीन कुलम्ब हो जाएगा ठीक है थर्ड देखो थर्ड क्वेश्चन है साइज ऑफ बैक्टीरिया इज क्या है फाइव uh, है ना तो फाइव ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन के पावर सेवन हो जाएगा ठीक है ये तो बहुत सिंपल है फाइव इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो टेन के पावर माइनस सेवन हमारा मीटर में है तो मीटर में आंसर फोर्थ नंबर देखो फोर्थ नंबर क्या है कि साइज ऑफ प्लान्ट से इतना मीटर ये भी बहुत आसान है पहले देखो सेवेंटी टवेंटी फाइव है तो टूवेल्व सेवेंटी फाइव राइट किया पॉइंट के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितना है एट टेन के पावर एट कर दिया अब यहाँ चार डिजिट है ना तो इसको कितना से वन थाउजेंड से डिवाइड करना होगा या इक्वल का साइन देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो टेन के पावर एट इंटू इसको वन थाउजेंड से हमने डिवाइड किया तो मल्टीपल भी करना पड़ेगा ताकि मान में फ़र्क नहीं पड़े वैल्यू में जब इसको हमने डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट टू सेवन फाइव आ जाएगा और ये देखो ये टेन के पावर एट है और ऊपर में टेन के पावर थ्री है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा माइनस एट में से थ्री जाएगा तो ये टेन के पावर माइनस फाइव हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में है तो मीटर में फाइव नंबर देखो फाइव नंबर है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन ज़ीरो पॉइंट जीरो सेवन है जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन तो इसको हटाएँगे ये हंड्रेड हो जाएगा तो सेवन बाई टेन के पावर टू तो सेवन इंटू टेन के पावर माइनस टू मिलीमीटर mm है तो मिलीमीटर mm. ठीक है ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फोर है इन एसटेक हीयर और फाइव बुक्स ईच ऑफ द थिकनेस ट्वेंटी एम एम एंड फाइव पेपर सीट इच ऑफ द थिकनेस जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स एम एम व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ एसटेक देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ईच थिकनेस ट्वेंटी एम एम मतलब एक बुक का थिकनेस जो है ना ट्वेंटी एम एम है तो फाइव बुक का फाइंड करना है और यहाँ गिवन है कि ईच पेपर सीट का जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स एम एम थिकनेस है तो फाइव पेपर सीट का फाइंड करना है अगेन दोनों को ऐड कर देना है तो बहुत ही आसान है देखो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पहले लिखेंगे थिकनेस ऑफ वन बुक क्या गिबेन है आपका ट्वेंटी एम एम ओके तो हमें फाइव बुक का फाइंड करना है तो लिखेंगे थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ फाइव बुक ये हो जाएगा ट्वेंटी इंटू फाइव ये हो जाएगा हंड्रेड एम एम ओके आगे बढ़ते हैं तो अब हमें क्या की है पेपर सीट का तो लिखेंगे थिकनेस ऑफ वन पेपर क्या किबेन है हमारा जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स एम एम तो फाइव पेपर का फाइंड करना है ना तो लिखेंगे थिकनेस ऑफ फाइव पेपर क्या हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स इन फाइव इसको मल्टीपल करोगे तो कितना होगा ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो एम एम हो जाएगा जब मल्टीपल करेंगे तो ठीक है लेकिन एक बात बताओ ये पॉइंट के बाद और इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है जीरो पॉइंट जीरो एट बी से लिख सकते हो ठीक है अब दोनों को क्या करना ऐड कर देना है टोटल थिकनेस फाइंड करना है ना तो दोनों को ऐड कर देंगे तो लिखेंगे टोटल Thickness ऑफ ए स्टॉक क्या हो जाएगा देखो हमारा एक है हंड्रेड एम एम प्लस ये है जीरो पॉइंट जीरो एट mm. एम एम दोनों को एड करेंगे तो हो जाएगा हंड्रेड पॉइंट जीरो एट एम एम हो जाएगा ठीक है लेकिन इसे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है तो वन डी के बाद आपको डिसमल लगाना होता है तो यहाँ देखो तो यहाँ जो डिसमल है डिसमल से इधर दो अंक इधर लाना होगा दो डिजिट इधर लाना होगा दो डिजिट का मतलब हंड्रेड इसमें हंड्रेड से डिवाइड करना होगा हमने इसको हंड्रेड से डिवाइड कर दिया लेकिन हम डिवाइड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें हंड्रेड से मल्टीपल भी करना पड़ेगा तो हमारा दोनों कट जाएगा कोई वैल्यू में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा तो देखो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन पॉइंट जीरो जीरो एट हो जाएगा जब इतना हमें हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आएगा और हैंड्रेड को क्या लिख सकते हो टेन के पावर टू लिख सकते हो लिख सकते हो ना और ये हो जाएगा एम एम में ये हमारा आंसर आ गया आई होप कि आप लोगों को टेन पॉइंट टू कम्प्लीट हो गया होगा बहुत ही आसान है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच